बनाना है ताकि वो रूम में चले आते हैं और यहाँ से आ करके ब्लॉग बनाते हैं और उसके बाद में काम छोड़ के, और आज काम छोड़ के मतलब क्या सथाने का दिन था, सथाने के दिन नहाने धोने का छोड़ के तब यहाँ से उठा उठा करके डालते हैं। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूं बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चार ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों अभी दोपहर का बज चुका है 3 और आज मौसम जो है काफी ज्यादा खराब कर दिया है। ये देखिए एकदम पूरी तरह से बादल किया हुआ है, एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देखिए लगता है पानी बरस जाएगा क्योंकि मौसम एकदम खराब किया हुआ है और बादल उधर जधर बरस रहा है, उधर गरजना भी शुरू कर दिया है। पूरी तरह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इधर से, एकदम काफी अच्छा पूरी तरह से लगता है पानी इधर से जरूर आएगा। और अभी के टाइम में भी काम चल रहा है, देखिए ईटा लोडिंग हो रहा है, कोई कोई खरीदारी करने चली आते हैं। तो आज है ऐसे मंगलवार का दिन, आज ही का दिन में सप्ताह होता है, तो आज चारू के पापा घर पर नहीं है, चारू और सिर्फ हम है। तभी चारू सो रही है और चारू पापा गए उधर नदी तरफ दतुन लेने के लिए और ढेर सारे लोग गए हैं, तो शायद मछली भी लेते आएंगे, पता नहीं उधर से छोटी मछली नदी में मिलता है। और नदी तो आप सभी को शेयर करा दिए हैं कि हम लोग का नदी जो है यहाँ बिहार का वो किस तरह से है, तो वो उधर ही चल गए हैं। तो फिलहाल देखिए अभी इस तरह से मौसम पूरी तरह से खराब किया हुआ है, कभी भी पानी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बस 2 से 3 दिन ऐसे ही तरह मौसम करता है, फिर उसके बाद में बारिश आना शुरू कर देता है। तो सप्ते का दिन है तो आज बाजार भी जाना है, तो बाजार अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अभी हम रूम में ही हैं। चारू पापा आएंगे तो डिसीजन लेंगे जाते हैं या नहीं। वैसे तो चारू पापा के आने तक शाम हो ही जाएगा। हम चलाए हैं रूम के अंदर में बैठ गए हैं क्योंकि उधर ना काफी ज्यादा एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और स्वेटर भी हम पहन लिए हैं और चारू अभी तक सोई हुई है, देखिए अभी उठी नहीं है, इसको हम ढक दिए हैं क्योंकि ठंडी लग रही है एकदम, यहाँ पर सोई हुई है। आज मंगलवार का दिन था तो नहवा धोवा दिए, देखिए इस तरह से सोई हुई है चारू बेटा। अरे बाबा उठ जा बेटी, देखिए देखिए, अच्छा नहीं उठो ना, सो जा सो जा सो जा, अच्छा नहीं, हाँ सो जा सो जा, तभी सो रही है। अभी नींद आएगी, अभी नींद के मूड में है तो उसको जगाना मुश्किल है क्योंकि वो उठेगी तो काफी ज्यादा हमको भी परेशान करेगी, लेकिन काफी देर हो चुका है, लगभग ये 12:30 बजे सो गई थी और अभी फिलहाल बज चुका है 3, तो ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये शायद तो सर्दी बुखार का दवाई जो है ना वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको खाती है तो शायद इसको नशा लगता है, कोई भी दवाई खाने पर नशा ही थोड़ा सा लगने लगता है, तो उसको हम खिला दिए थे तो शायद इसको नींद लग रहा है ज्यादा ही, तो सोई हुई है अभी फिलहाल। सब तो आ नहीं रहे हैं और हमको बाजार भी जाना है, तो वैसे तो बाजार सामने है, ज्यादा दूर में नहीं है, लेकिन चारू को छोड़ करके जा भी नहीं सकते हैं और चारू घर पर अकेली हो जाएगी और उसके बाद में अभी इस जगह पर कोई नहीं है क्योंकि सारे कोई चली गए हैं बाजार, कोई कहाँ चल गए हैं, तो किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। और अभी 3 बज चुका है, मौसम पूरी तरह से खराब किया, पता नहीं कब पानी आ जाए, अगर इससे सोच रहे थे कि उससे पहले ही जा करके चल आते तो अच्छा रहता, अभी तो आए नहीं है, देखते हैं आएंगे तो ही जाएंगे। यही उठ गई तो उसके बाद में हम चल गए थे उधर बाजार और बाजार से आ गए हैं। तो हम आप सभी को बता दिए हैं कि हम लोग का महुआ यहाँ पर थोड़ा सा बाजार लगता है, तो हर एक सब्जी रहता है यहाँ पर हर एक तरह का, तो हम यहाँ पर सब्जी ले आए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि पानी आना शुरू कर दिया है। चारू अपना चप्पल को फेंक कर कहाँ चली गई, यहाँ पर देखिए सब्जी अभी जस्ट गए थे और जा करके लाए हैं, तो मटर थोड़ा सा पाव भर ले लिए हैं और टमाटर है, बैगन है, आलू है यहाँ पर, और प्याज लहसुन ये सब अभी लेकर के आए हैं। लहसुन आजकल कच्चा कच्चा चढ़ा दे रहे हैं, देखिए भुआ जा रहा है इस तरह से, तो अभी लेकर के आए। और चारू पापा के लिए यहाँ पर बचा के रख दिए हैं चाउमीन, क्योंकि चाउमीन हम लोग खाएं तो चारू पापा के लिए नहीं रख देंगे तो फिर वो का खाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें बचा करके रख दिए हैं।
तो आएंगे तो पूछेंगे, तुम लोग बाजार गई थी तो मेरे लिए मिठाई नहीं रख दी, तो इसी को रखते हैं थोड़ा सा। चौमिन अच्छा है, भुंजाया हुआ है, अच्छा लगता है खाने के लिए भी। सिर्फ एक चीज़ हमको पसंद नहीं आता है, नमक काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। और सब्जी तो आ गया है और फिलहाल अभी पानी आना शुरू कर दिया है, देखिए पूरी तरह से। और चारू पता नहीं किधर है, कौन है मैया? अरे चारू पानी आ रहा है, देखिए चारू यहाँ पर आगे तपा रही है। चारू आगे तपा रही है, कोयला धराया हुआ है, इस तरह से तपा रही है, ऊपर से इधर पानी आ रहा है। चलो आजा, सीतारमन भी इस तरह से चूता है पानी लग। दीदी बोल रही है कि सीतारमन को भी दिखा दो, तो बोल रहे कि नेटा इसका चूता ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिस सर्दी पका है तो जल्दी तो सर्दी चूना नहीं बंद होगा। मम 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 आ रहा है ना बेटे, चलो बढ़ जा। कहा कीजिएगा, इसका नेटा बहते रहता है वैसे ना, और एक चप्पल को खोल के फेंक दी है और एक चप्पल को पहन के घूम रही है। चलो इसको भी पहन लो, चलो लो, देख रही पैर सब गंदा हो जाता है और डिसना में फिर घुस जाएगी, तो इसीलिए कमल सब भी गंदा हो जाएगा। चलो पिंधो। और अभी तक भी चार पापा सब नहीं आए हैं, शाम का भी 4:30 बज चुका है। आज देखिएगा थोड़ा थोड़ा बात होगी, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। काची चम्मच कहाँ है, कहाँ है चम्मच? तो ऐसे गंदा बात तो ऐसे नहीं करते हैं, चलो अच्छा से बातें करो, उठो अच्छा से बताओ। अब पापा कहाँ गए हैं बेटी बता दो। और आज मंगलवार का दिन था तो लिपाई बढ़ाई करते नहाते धोते, खाना आज हमारा 10 बजे बना है, तो यहाँ पर कुकर में बनाए थे, तो खाना हमारा इतना सारा बच के रखा ही हुआ है। और चारों पापा जल्दी चल गए थे, और दाल, और उसके बाद में हम थोड़ा सा सलाद बना लेते, एक टमाटर और एक प्याज था, तो प्याज का सलाद बना करके खा लिए थे। चारों पापा गए हैं रात का ही खाना खा करके, और अभी तक नहीं आए हैं, देखिए थोड़ा सा आज बातें होगी ना बेटी, आज पापा को डांटेंगे ना, डांटेंगे। का बज चुका है 5:30 और जस्ट अभी अभी चारों पापा आए हैं और आ करके मछली को बाटा कर लिए हैं, और बाटा करके यहाँ पर चारों पापा बनाना शुरू कर दिए हैं, बना रहे हैं। मछली भागना शुरू हो गया है, कढ़ाई से बाहर निकल जा रहा है। अब पूरी तरह से मौसम एकदम देखिए किस तरह से कर दिया, पूरी तरह बादल एकदम, और शाम का लाइट भी जल चुका है। और चलते हैं बनाने, देखिए यहाँ पर बना के रखे हैं। तो मछली धोआ गया है, ये देखिए ये है पोठी मछली और ये है चौरका, इसको गरई भी बोलते हैं। और इधर हम मसाला पीस लिए हैं और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब डाल देते हैं तेल को और तलेंगे और बनाएंगे। तेल मेरा गर्म हो गया है तब यहाँ से उठा उठा करके डालते हैं, बिना हल्दी ही डाले हम यहाँ पर डाल रहे हैं, पिछलता काफ़ी ज़्यादा है एकदम। इस तरह से तलेंगे, तो सारे मछली को एक ही बार डाल दिए हैं, अब अच्छे से इसको चलाने देते हैं, तभी तो खाने में टेस्टी और मज़ा आएगा। थोड़ा फ्राई हो रहा है, ये देखिए चौरका मछली को हम फ्राई करके निकाल दिए हैं तल करके, और ये मेरा पोठी मछली सिर्फ बचा हुआ है, इसको इस तरह से तल रहे हैं, यहाँ पर निकाल दिए हैं। देखिए हल्दी नहीं डाले हैं तो कलर नहीं आएगा। हाँ, अच्छा तलाया हुआ है, काफ़ी मस्त एकदम, देखिए पूरी तरह से करारा एकदम है। तो हम वैसे हल्दी डाल करके नहीं तलते हैं, बहुत लोग हल्दी नमक ये सब डाल करके तलते हैं, तो हमको हम कभी ये सब करके नहीं तले हैं, तो हमको डाउट लगता है,
हम इस तरह से नहीं तलते हैं, तो हम डायरेक्टली इसी तरह से तलते हैं। तो अच्छे से ये तला रहा है और आजकल लोग को हम यहीं तक एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि आज इनका लापरवाही से आज मेरा भी नुकसान हुआ और इनका भी नुकसान हुआ, क्योंकि काम रहता है वहाँ से भट्टे में, जब ईटा ढोना रहता है तो कहते हैं कि नहीं हमको ब्लॉग बनाना है, ताकि वो रूम में चले आते हैं और यहाँ से आ करके ब्लॉग बनाते हैं और उसके बाद में काम छोड़ के, और आज काम छोड़ के मतलब क्या, सथाने का दिन था, सथाने के दिन नहाने धोने का छोड़ के नदी में दिन भर दिन बता दिए, शाम को सिर्फ 5 बजे घर आए हैं, और घर आ करके और अभी अपना ब्लॉग जैसे तैसे बना लिए हैं और उसके बाद में अभी हमको बोल रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी बातें हुई है लेकिन आप सभी को इसके नहीं दिखाने पाए, नहीं दिखाने पाए, तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। कौन मार दिया? अच्छा चुप हो जा, चुप हो जा, उठाइए क्या हुआ। तो थोड़ी बहुत बातें हुई, वो तो नहीं दिखाए ब्लॉग में, लेकिन हम लोग दोनों जन लड़े झगड़े और फिर बातें कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को हम यहीं तक खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।